Presentation slides are provided on students request for purpose of quick reference only hence it cannot be replaced with standard study material or books that are mentioned in syllabus of respective subjects students are expected to refer standard books for study for examination प्रस्तुति स्लाइड केवल त्वरित संदर्भ के उद्देश्य के लिए छात्रों के अनुरोध पर प्रदान की जाती है इसलिए इसे मानक अध्ययन सामग्री या उन पुस्तकों से नहीं बदला जा सकता है जो संबंधित विषयों के पाठ्यक्रम में उल्लिखित है छात्रों से परीक्षा के लिए अध्ययन करने हेतु मानक पुस्तकों को संदर्भित करने की उम्मीद है तो हम लोगों ने पिछली क्लास में देखा था स्टैंडर्ड्स ऑफ सी ठीक है एंड ऑफिशियल स्टैंडर्ड ऑफ पाउडर्स ठीक है ये हम पहले क्लास में देख चुके हैं इसके पहले तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं हम मोशन ऑफ मोड ऑफ मोशन इन साइज सेपरेशन मोड ऑफ मोशन इन साइज सेपरेशन यहाँ पे हम लोग क्या करने वाले हैं हम कौन कौन से मोशंस होते हैं स्क्रीन में मतलब आप देखोगे कि स्क्रीन में हम पाउडर को अगर पोर कर दें तो वो उसकी वजह से वो क्या होगा उसमें से पोर में से गिरेगा नहीं ज़रूरी है कि पार्टिकल्स क्या हों मूव करते रहें स्क्रीन के ऊपर ताकि उसकी पूरी सरफेस का इस्तेमाल हो सके और जब वो इस तरीके से मूव करते हुए आ, क्या होंगे पोर के ऊपर आ जाते हैं तब वो नीचे गिर जाते हैं अगर स्क्रीन में मूवमेंट नहीं होगा तो पार्टिकल्स अपनी जगह पर रुके रहेंगे टिके रहेंगे तो सीविंग नहीं हो पाएगी तो जरूरी है कि पार्टिकल्स का मूव करना स्क्रीन के ऊपर या फिर ठीक है स्क्रीन या पार्टिकल्स के बीच में रिलेटिव मोशन होना चाहिए तो तभी पार्टिकल्स क्या होंगे जब वो पोर के जस्ट ऊपर आ जाएंगे तो वो गिर जाएंगे नीचे अगर पोर के ऊपर नहीं आएंगे तो क्या होंगे वो अगर ऐसी जगह पे हैं जहाँ पे पोर नहीं है क्योंकि स्क्रीन में हर जगह पे हम लोगों ने इसके पहले पढ़ा था कि उसमें क्या होता था कितना एरिया सीविंग एरिया होता था और कुछ एरिया क्या होता था जो सीविंग एरिया नहीं होता था यानी सीविंग एरिया वो हिस्सा होता था जहाँ पर छेद होगा खाली जगह होगी तो पार्टिकल्स जो खाली जगह के ऊपर आया वो तो गिर जाएगा लेकिन इसके बावजूद पाउडर जब एक जगह इकट्ठा रखा होता है तो एक दूसरे से फ्रिक्शन के साथ क्या होते हैं बंधे रहते हैं तो आसानी से वो फ्लो नहीं करते तो गिरते नहीं हैं तो ज़रूरी है पार्टिकल्स को मूव कराना ठीक है तो हम लोग इसलिए आज देखने वाले हैं मोड ऑफ मोशन इन साइज सेपरेशन तो चलिए स्टार्ट करते हैं तो चलिए देखते हैं कि कौन कौन से मोड ऑफ मोशन हैं तो सबसे पहले मेनली मोड ऑफ मोशन को तीन क्लास में हम डिवाइड करते हैं एजिटेशन ब्रशिंग एंड सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एजिटेशन ब्रशिंग और सेंट्री फ्यूगल फोर्स तीन टाइप के इस क्लास में इसको हम डिवाइड कर देते हैं ठीक है अब बात करते हैं कि एजिटेशन क्या होता है ब्रशिंग क्या होता है या सेंट्रीफ्यूगेशन क्या होता है इसको हम लोग डिटेल में देखते हैं ठीक है तो चलिए बात करते हैं साइज सेप्रेशन इज बेसिकली असिस्ट बाय थ्री मेथड्स एजिटेशन ब्रशिंग एंड सेंट्री फ्यूगल फोर्स दिस मैथड ऑफ सेकिंग हेल्प टू सेक द मटेरियल सो दैट सीविंग विल बी क्विक एंड एंटायर सीविंग एरिया कैन बी यूटिलाइज ठीक है हम क्यों कर रहे हैं कि सीविंग जो हो वो क्विक हो जल्दी हो जाए और पूरा जो स्क्रीन है सीविंग एरिया है वो पूरा का पूरा सीविंग एरिया इस्तेमाल हो सके ठीक है तो चलिए पहले पॉइंट पे चलते हैं एजिटेशन मेथड सबसे पहले हम लोग बात करेंगे एजिटेशन मेथड की तो सीयूस आर एजिटेटेड इन नंबर ऑफ वे मतलब एजिटेशन भी जो होता है ये अलग अलग तरीके से होता है ठीक है बहुत सारे तरीके हैं इसके तो हम लोग कौन कौन से तरीके हैं वो देख रहे हैं एजिटेशन का मतलब क्या होगा देखो हिलाना एजिटेशन का मतलब एक तरीके से हिलाना तो अभी कौन कौन से तरीके से हम हिलाने वाले हैं चलिए देखते हैं स्क्रीन को मूव कराना और है ना एजिटेशन मतलब स्क्रीन को मूव कराना तो किस तरीके से हम मूव करा रहे हैं उसके ऊपर तो चलिए बात करते हैं ओसीलेसंस ओसीलेशंस में क्या होता है दिस द सीयू इज माउंटेड इन अ फ्रेम दैट ऑसिलेट बैक एंड फोर्थ ठीक है बैक एंड फोर्थ ये जो ऑसीलेशन क्या है ये एजिटेशन मेथड का एक टाइप है ठीक है तो यहाँ पर क्या होगा जो स्क्रीन है वो जैसे अगर मान लेते हैं कि आपके सामने ये जो स्क्रीन है है ना ये एक स्क्रीन है इसमें ये बहुत सारे होल्स हैं जो अभी मैंने डॉट बनाए हैं ये होल्स हैं और ये जो है आपके सामने एक स्क्रीन जिसको आप ऊपर से देख रहे हैं इसको आप कहाँ से देख रहे हो ऊपर से देख रहे हो तो ये क्या बोलता है बैक एंड फोर्थ यानी कि ये आगे और पीछे किसी भी दो डायरेक्शन में ये मूव करेगा आगे और पीछे ठीक है आगे और पीछे इसी को हम क्या बोलते हैं सेकिंग भी बोलते हैं ऑसिलेशन को हम क्या बोलते हैं सेकिंग भी बोलते हैं जैसे आप ये टॉप व्यू देख रहे हो और ये साइड में जो डायग्राम है ये साइड वाला व्यू देख रहे हो तो आ, रेसी मोशन रेसिप्रोकल प्रोकल मोशन का मतलब पहला डायरेक्शन जो होगा जिधर वो जा रहा है वो देन उसका बैक तो या तो आप ऐसे ऐसे करो या ऐसे ऐसे किसी भी एक्सिस में किसी भी एक्सिस में आप अगर क्या कर रहे हो रेसिप्रोकल मोशन करा रहे हो मतलब आगे बढ़ना फिर बैक होना फिर आगे बढ़ना फिर बैक होना तो आप ऐसे ऐसे कराओ या ऐसे ऐसे कराओ या ऐसे ऐसे कराओ ये सारा का सारा अगर एक ही प्लेन में हो रहा है और एक एक डायरेक्शन में हो रहा है मतलब फ्रंट और बैक फ्रंट एंड बैक है ना अगर वो अपनी एक ही लाइन में मोशन कर रहा है ठीक है तो क्या कहलाएगा ऑसिलेशन क्या कहलाएगा ऑसिलेशन ठीक है इट इज़ सिम्पल मैथड बट द मटेरियल में रोल ऑन द सरफेस ऑफ सी यू द मोशन इज पैरल टू द प्लेन ऑफ सी यू ठीक है तो ये जो मोशन बोल रहा है पैरल टू द प्लेन ऑफ सी यू मतलब अगर ये सी यू का प्लेन है और ये इसके ऊपर मटेरियल रखा हुआ है तो ये इसके ऊपर रोल करेगा इसके ऊपर रोल करेगा जब ये आगे जाएगा तो ये पीछे ये ऐसा होता रहेगा ये ऐसा ऐसा होता रहेगा तो ये जो मटेरियल है इसके पैरल इसका स्क्रीन ये है ना इसके पैरेलल मूव कर रहा है तो इसी को क्या बोल रहे हैं अपन पैरेलल प्लेन में ठीक है देन द सीविंग कैन बी स्लाइटली इंक्लाइंड इंक्लाइंड का मतलब होता है हल्का सा तिरछा बिल्कुल ऐसा फ्लैट ना हो कि थोड़ा सा तिरछा होगा ताकि मटेरियल को मूव करने में एक डायरेक्शन में बढ़ने में आसानी होगी रोल होने में आसानी होगी ठीक है द रेसिप्रोकेटिंग मोशन इज इंक्लूडेड बाई मीन ऑफ एन ऑर्डिनरी ई सेंट्रिक और रोटेटिंग साफ्ट मतलब ये जो मोशन हम करवा रहे हैं देखो ई सेंट्रिक का क्या मतलब होता है अगर कोई व्हील है जो किसी मोटर से जुड़ा है और वो उसके सेंटर से अगर उसका साफ्ट जुड़ा हुआ है तो हम बोलेंगे इसको सेंट्रिक लेकिन अगर अपने ये सेंटर से थोड़ा हट गया इसका जो मोशन है ये सेंटर से थोड़ा हट के है ये जो जुड़ा हुआ है ये हट के है तो अब ये क्या होगा ई सेंट्रिक कहलाएगा सेंटर से थोड़ा हट के तो जनरली जहाँ भी ऑसिलेशन वाले मोशन होते हैं वहाँ जो व्हील होती है वो ई सेंट्रिक होती है ताकि जो पुली है जो इससे पुली जुड़ा हुआ होगा वो क्या कराएगा जब ये घूम कर अभी पी यहाँ पर है जब ये व्हील यहाँ पे है तो ये इस पोर्शन पे है लेकिन जब ये जो ये जो जिस जगह से ये जुड़ा हुआ है इसका जो पुली है या लीवर जो है जहाँ से जुड़ा हुआ है जब ये चक्का घूमेगा तो क्या होगा ये धीरे धीरे क्या करेगा देखो मान लेते हैं कि इसका क्लाक रोटेशन हो रहा है तो अभी ये इस पोजिशन पर है लेकिन जब ये घूम आगे बढ़ेगा तो इसका पोजिशन ये हो जाएगा इसका पोजिशन ये होगा मतलब ये जो यहाँ तक का लेंथ था रॉड का वो अब यहाँ से बढ़ जाएगा तो अब अब ये इत, इतना आगे चला गया अब अगला जो पोजीशन होगा वो यहाँ चला गया तो थोड़ा सा और आगे बढ़ जाएगा फिर जब ये आधा चक्कर घूम चुका होगा तो फिर वापस जाने लगेगा ठीक है तो इस इस तरीके से इस पॉइंट को देखोगे तो ये पॉइंट एक एक डिस्टेंस में एक पर्टिकुलर डिस्टेंस में क्या करेगा ये वाला जो पॉइंट होगा इसका यह जो एंड होगा एक पर्टिकुलर डिस्टेंस के बीच में ये आगे और पीछे घूमेगा आगे और पीछे घूमेगा तो ये होता है ई सेंट्रिक व्हील जो हम लोग यहां पे जोड़ेंगे हम लोग इसको आगे देखेंगे कुछ इसके एनिमेशंस ठीक है तो ये हो गया आपका ऑसिलेशन ठीक है चलिए बात करते हैं दूसरा जो इसका टाइप है एजिटेशन का वो है वाइब्रेशन दूसरा जो टाइप है वो क्या है वाइब्रेशन वाइब्रेशन आप लोग अच्छे तरीके से जानते हैं आप लोगों के मोबाइल में होता है वाइब्रेशन मोड वाइब्रेशन मतलब कंपन तो दीव इज़ वाइब्रेट एट हाई स्पीड बाय मीन ऑफ एन इलेक्ट्रिक डिवाइस आइदर इलेक्ट्रिकली और मैकेनिकली मतलब ये जो वाइब्रेशन होगा ये इलेक्ट्रिकली भी हो सकता है और मैकेनिकली भी मतलब अगर आप इसको ऐसा खटखटाओगे तो क्या होगा वाइब्रेशन होगा किसी स्क्रीन को ऐसा खटखटाओगे तो क्या होगा वाइब्रेशन ये हो क्या ये ये जो हुआ इसको क्या बोलेंगे अपन मैकेनिकल वाइब्रेशन है ना जैसे आप लोग शिव शेकर में देखोगे शिव शेकर में क्या होता है उसमें एक जगह पे एक नॉक करने वाला एक, एक, एक हैमर टाइप लगा होता है जो उसको बार बार खटखटाता होता है जिससे इसमें वाइब्रेशन होने लगता है दूसरा होता है इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रिकल में क्या होगा कुछ ऐसा मोटर इसेंट्रिक मोटर लगा होगा जैसे आप लोगों के मोबाइल के अंदर एक छोटा सा मोटर लगा होता है मोबाइल जो होता है उसके अंदर एक छोटा सा मोटर लगा होता है आपके मोबाइल में वाइब्रेशन मोड कैसे काम करता है मैं आपको बता रहा हूं तो यहां पे इसका एक व्हील होगा इस जो इसमें घूमेगा पर ये व्हील जो है कैसा होता है अगर ये अभी मैं साइड से दिखा रहा हूं आपको अगर आप फ्रंट से देखोगे तो इसका जो व्हील होता है वो आधा होता है यहाँ पास इसका साफ तो जुड़ा हुआ है और ये आधा व्हील होता है अब क्या होगा आधा व्हील होने के कारण अभी देखो जब ये घूमकर इधर आ रहा है ना अभी जब घूम के इधर आ रहा है तो इसमें एक क्या हो जाएगा काइनेटिक एनर्जी जो इसको इधर की तरफ फेंकेगा लेकिन जब ये इधर जाएगा तो अगला जो पोजीशन होगा ऐसा तो अब इधर फेंकेगा मतलब ये क्या होगा वेट में क्या सेंट्रिक है ना वेट का बैलेंस नहीं है जैसे अगर आप वेइंग बैलेंस को देखो तो इधर वेट ज़्यादा है अगर वेट इधर होगा तो ये इधर चला जाएगा तो ये ये क्या होगा जिधर वेट ज़्यादा होगा उधर दबाव महसूस होगा उधर खिंचाव महसूस होगा तो ऐसी जो डिवाइस होती है वो क्या होती है ये व्हील जैसे जैसे घूमता है उस तरफ से ये हर बार अपना खिंचाव अलग अलग एंगल में महसूस करता है जिससे क्या होता है वाइब्रेट करने लगता है क्योंकि ये मोटर बहुत तेजी से घूमता है ना तो इसी तरीके का अगर कोई मोटर लगा हुआ है इ सेंट्रिक व्हील के साथ तो क्या होगा वो वाइब्रेट करेगा तो ये इलेक्ट्रिक हो गया तो बाई मीन ऑफ मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल मतलब यहां पे खटखटा रहा है कोई ऐसी चीज है जो उसको नॉक कर रहा है तो वाइब्रेशन हो रहे हैं और इलेक्ट्रिकली मतलब उसमें कोई ऐसा मोटर लगा हुआ है ई मोटर लगा हुआ है जो उसको बार बार एक मोशन दे रहा है और देखो वाइब्रेशन और ऑसिलेशन में थोड़ा थोड़ा सा डिफरेंस क्या होता है ऑसिलेशन का मतलब इसका जो ए होगा आप लोगों ने पढ़ा होगा जो आयाम जिसको बोलते हैं वो ज़्यादा होता है मतलब इसका जो मोशन होगा एक लंबा ऐसा होगा फिर नीचे होगा फिर ऊपर होगा फिर नीचे तो इस टाइप का जो होगा जिसमें ए की वैल्यू ज़्यादा है तो उसको अपन ऑसिलेशन बोलते हैं लेकिन अगर ये बहुत कम हो बहुत थोड़े समय के लिए हो बिल्कुल छोटा छोटा तब इसको हम वाइब्रेशन कहते हैं तब इसको हम क्या कहते हैं वाइब्रेशन कहते हैं अगर तो ये ऐसे बड़ा बड़ा ऐसा ऐसा हो रहा है तो इसको हम क्या बोलेंगे ऑसिलेशन लेकिन अगर ये बहुत छोटा कम समय के लिए हो रहा है कम बिल्कुल थोड़ा थोड़ा मोशन का जो लेंथ है वो बहुत कम है तब उसको हम वाइब्रेशन कहते हैं ठीक है तो ये वाइब्रेशंस के बारे में चलिए देखें क्या बोलते हैं रेपिडली वाइब्रेटिंग सॉरी रेपिड रेपिड वाइब्रेशन इज इम्पेयर्ड टू द पार्टिकल दैट हेल्प्स द पावर पाउडर टू पास थ्रू द सी मतलब ये जो रेपिड वाइब्रेशन होना तेजी से वो क्या करता है पार्टिकल्स को हिलाने लगता है और पार्टिकल जब हिलता है तो क्या होता है मूव करने लगता है स्क्रीन के आसपास रैंडमली और वह उस तरीके से क्या हो जाता है सीओ के जो पोर्स हैं उससे पास अगर वो पोर अंडर साइज का है अगर पोर्स से छोटा है तो पास होकर नीचे गिर जाएगा देन इलेक्ट्रिकली वाइब्रेटेड स्क्रीन आर पर्टिकुलरली यूजफुल इन केमिकल इंडस्ट्री ये बहुत ज्यादा यूज होता है केमिकल इंडस्ट्री में एग्जाम्पल है हमर स्क्रीन अब ये हमर स्क्रीन इसको क्यों बोलते हैं तो हमर मतलब जैसे जब कोई चीज वाइब्रेट होता है तो उसमें एक साउंड आता है ना हम हम्म करके है ना उसको क्या बोलते हैं जैसे आप लोगों ने हमिंग बर्ड सुना होगा जब हमिंग हाँ बर्ड उड़ता है ना तो उसके पंख इतने तेजी से फड़फड़ाते हैं या फिर भौरा उड़ता है तो कितने उसके जो पंख इतने तेजी से फाइब्र फड़फड़ाते हैं कि एक साउंड क्रिएट होता है ना हम या बज की आवाज़ तो ये जो हम हमिंग साउंड जो आ रहा है इसकी वजह से इसको हम स्क्रीन को क्या बोलते हैं हमर स्क्रीन इसके इसको क्या बोलते हैं हमर स्क्रीन तो दे हैंडल लाइट फाइन एंड ड्राई मटेरियल सक्सेसफुल यानी कि अगर लाइट वेट का मटेरियल है ड्राई मटेरियल है है ना और फाइन पार्टिकल्स है तो उसके लिए हम लोग स्क्रीन इस्तेमाल करते हैं कौन सा हमर स्क्रीन जहां पे ये यूजफुल है ठीक है इंक्लूडिंग वाइब्रेशन ऑल्सो प्रिवेंट ब्लाइंडिंग ऑफ मेस अब ये जो वाइब्रेशन हैं ये ब्लाइंडिंग ऑफ ऑफमेंस जैसे आपने कभी कभी देखा होगा घर पर हम लोग जब आटा चालते हैं ना तो ये जो आटा चालने का जो चलनी होता है इसमें कुछ देर के बाद क्या होता है इसके जो पोर्स होते हैं उसमें थोड़ा थोड़ा पाउडर फंस जाता है तो हम क्या करते हैं उसको थोड़े देर के बाद ठोकते हैं ना ताकि उसमें जो पोर्स में छप चिपक गया है जो उसको ब्लॉक कर रहा है वो झर जाए तो वो जो वो जो मटेरियल इसमें फंस गया इस चलनी में है ना इस स्क्रीन में जो मटेरियल फंस गया उसको गिराने के लिए हम क्या करते हैं ठोकते हैं वाइब्रेट कराते हैं ताकि वो पार्टिकल्स उसमें से गिर जाए तो ये एडवांटेज हमको यहाँ पे मिलता है कहाँ पे वाइब्रेट वाइब्रेशन वाला जो मोशन है जिस स्क्रीन में वाइब्रेशन हो रहे हैं वो उसमें एक ब्लाइंडिंग नहीं होगी ब्लाइंडिंग का मतलब ये छेद का बंद हो जाना ब्लाइंडिंग नहीं होगी तो ये एक एडवांटेज मिलता है तो आपके सामने देखो ये दो ए, वाइब्रेशन के मोशन वाले डायग्राम है ये इलेक्ट्रिक वाइब्रेटर लगा हुआ है देखो यहाँ पे जो इसको वाइब्रेट कराएगा है ना इलेक्ट्रिकली वाइब्रेटेड जो है जैसे इलेक्ट्रिक वाइब्रेटर है पर इसको मैकेनिकल वाइब्रेटेड क्यों बोल रहे हैं क्योंकि यहाँ पे जो मोटर लगा होगा उसमें से कुछ हैमर लगा होगा जो बार बार उसको क्या करता होगा ऐसा नॉक करता होगा इसलिए इसको मैकेनिकल वाइब्रेटर बोल रहे हैं और इलेक्ट्रिकल वाइब्रेटर मतलब उसमें ई सेंट्रिक मोटर लगा होगा जिसकी वजह से वाइब्रेशन क्रिएट हो रहे हैं जैसे आपके मोबाइल्स में एक वाइब्रेशन होता है अगर इस टाइप के वाइब्रेशन हो रहे हैं तो उसको हम बोलेंगे इलेक्ट्रिकली वाइब्रेटेड तो ये दोनों तरीके के स्क्रीन है ये साइड व्यू देख रहे हो आप और देखो ये थोड़ा सा क्या है इंक्लाइंड है मतलब थोड़ा सा तिरछा है देखो तीनों ही स्क्रीन में थोड़ा सा ढाल है ये बिल्कुल ही फ्लैट नहीं है इसमें कुछ ना कुछ एंगल है देखो है ना अगर आप यहाँ पे भी देखो तो यहाँ पे भी एक एंगल है तो ये एंगल क्यों है तो क्योंकि वाइब्रेट करता हुआ या ऑसिलेट करता हुआ पार्टिकल एक डायरेक्शन में आगे बढ़ता भी है ठीक है और पार्टिकल आगे बढ़ता रहेगा तो क्या होगा छोटे साइज के नीचे गिरते जाएंगे और बड़ा वाला एट द एंड हमको दूसरे बकेट में कलेक्ट हो जाएगा ठीक है तो ये अलग अलग क्या हो गए यहाँ पे आ, आपके ऑसिलेशंस के ऑसिलेशंस के और वाइब्रेशन के कुछ एग्जाम्पल हो गए जो कि एजिटेशन का ही एग्जाम्पल है जो कि किसका है एजिटेशन का एग्जाम्पल पर अब हम लोग बात करने वाले हैं एजिटेशन मेथड का ही एक अगला जो मोशन है वो है गाइरेशन। ये भी एजिटेशन का ही एक एग्जाम्पल है ठीक है तो गाइरेशन जो होता है क्या होता है गाइरेशन के बारे में पढ़ते हैं ठीक है तो गाइरेशन इज़ द इन दिस मेथड अ सिस्टम इज मेड सो दैट सी इज ऑन रबर माउंटिंग मतलब जो सीज है वो एक रबर माउंटिंग के ऊपर जैसे ये स्टैंड जो दिख रहा है इसका जो नीचे का हिस्सा है ये रबर का बना होगा ताकि ये घिससे नहीं मतलब ये घिससे नहीं फ्रिक्सन ना कॉज करे ठीक है एंड कनेक्टेड टू अ इलेक्ट्रिक फ्लाई व्हील फ्लाई व्हील मतलब जैसे वो ई सेंट्रिक व्हील था ना वैसा एक फ्लाई व्हील होता है ठीक है दिस गिवस आर रोड रोटरी मूवमेंट ये क्या करेगा रोटरी मूवमेंट प्रोवाइड करेगा स्मॉल एम्पलीट्यूड तक किसको सी यू को विच इज विच इन टर्न गिव्स स्पिनिंग मोशन टू द पार्टिकल दैट हेल्प टू पास देम थ्रू द सी अब देखो ये जो गाइडेशन है इसमें क्या डिफरेंस है अभी तक हम लोगों ने देखा था जो पहला था ऑसिलेशन वहां पे एक डायरेक्शन में हो रहा है अगर ये आप साइड से देखोगे तो कुछ ऐसा अगर टॉप से देखोगे तो कुछ मतलब ये साइड या टॉप दोनों तरफ से देखोगे तो एक लाइन में मोशन हो रहा है या तो ऐसा 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 तो हम इसको क्या बोलेंगे ऑसिलेशन वाइब्रेशन में क्या हो रहा था ये वाइब्रेट कर रहा था पर अब आ गया बात किसका गाइरेशन का गाइरेशन क्या होगा स्पिनिंग मोमेंट देगा मतलब अगर आप अभी इसको जैसे आप देख पा रहे हो यहां पे एक लॉन्गिट्यूबिनल एक्सिस दिया है और इसमें जो मोशन होगा वो हॉरिजोटल में होगा ये वर्टिकल एक्सिस है और मूवमेंट किस में आएगा हॉरिजॉन्टल प्लेन में मूवमेंट किस में आएगा हॉरिजॉन्टल प्लेन प्लेन में ठीक है गैरेसन इन हॉरिजॉन्टल प्लेन कैसे है तो देखो ये अभी आप साइड से देख रहे हो पर इसको टॉप से देखोगे जैसे टॉप से देखोगे तो ये मान लेते हैं स्क्रीन है ये मान लेते हैं स्क्रीन है ठीक है तो ये अभी इसका पहला पोजीशन है ठीक है ये क्या है पहला पोजीशन है अब ये जो स्क्रीन इस है इसको हम अगर इस स्क्रीन का सेंटर ये हुआ अगर इस स्क्रीन को हम एक, एक सर्कुलर पाथ में क्या करें घुमाएं स्क्रीन को क्या करें सर्कुलर पाथ में घुमाएं मान लेते हैं ये स्क्रीन को हम क्या कर रहे हैं हम इसको ठीक है मान लेते हैं हम इसको क्या कर रहे हैं सर्कुलर पाथ में मोशन कराना अब देखो ये जो स्क्रीन है ये पूरा का पूरा स्क्रीन ऐसा ही ऐसा घूमेगा फिर ऐसा फिर ऐसा इस पाथ में हम क्या कर रहे हैं इसको इसको इस सेंटर के चारों तरफ घुमा रहे हैं मतलब अगर मैं बात करूं आपके सामने तो मान लेते हैं कि ये एक स्क्रीन है और इसको इस तरीके से रोटेट करा रहे हैं इस तरीके से रोटेट करा रहे हैं ठीक है अगर मैं बात करूं, आपको स्क्रीन को अगर ये अगर आप इसको ऊपर से टॉप से देखोगे तो कुछ इस तरीके से अगर घूम रहा है मतलब ये नहीं घूम रहा है इस ये एक सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है एक सर्कुलर पाथ में अगर आप इसको फ्रंट से देख रहे हैं अपने ऊपर से देख रहे ऊपर से टॉप व्यू देख रहे हो तो कुछ इस तरीके से ये अगर मूव कर रहा है या अगर हम इसको ऐसा प्लेन में रखें तो इस तरीके से अगर मूव कर रहा है तो इसको क्या बोलेंगे गाइरेशन मूवमेंट ठीक है तो आई थिंक आप लोग को थोड़ा सा समझ में आ गया होगा कि ये जो स्क्रीन है अभी यहाँ पर इस पोजिशन पर है पर यही स्क्रीन जब अपने पाथ में घूमता जाएगा ठीक है ये स्क्रीन जब अपने पाथ में घूमता जाएगा तो अगला जो इसका पोजीशन होगा वो यहाँ पे हो जाएगा और अगला पोजीशन यहाँ पे हो जाएगा लेकिन अभी भी स्क्रीन जो है वो जैसा था वैसा ही रखा हुआ रहेगा तो ये जो स्क्रीन है एक एक सर्कुलर पाथ में घूम रहा है सर्कुलर पाथ में ऐसा मूव कर रहा है तो उसको क्या बोलेंगे गायरेसन मोमेंट तो यहाँ पे देखो गायरेसन मोमेंट के तीन टाइप दिए हुए हैं गायरेसन मोमेंट के तीन टाइप दिए हुए हैं थोड़ा इसको समझते हैं ये तो पहला हॉरिजॉन्टल प्लेन में हो गया दूसरा हो गया वर्टिकल प्लेन में मतलब ये हम लोग अभी बात ऐसा ऐसा कर रहे थे पर अगर मैं इसको ऐसा बात करूँ तो ऐसा अगर मूवमेंट हो रहा है किसी भी स्क्रीन में देखो ये स्क्रीन ऐसे ही है अभी ऐसा नहीं है अब पहले इसका जो पाथ मोशन पाथ था वो इस प्लेन में था है ना लेकिन अब अग, अगर अब इसका मोशन पाथ इस तरीके से हो जाए तो इसका मोशन पाथ अब इस प्लेन में ना होके इस प्लेन में हो गया तो इसको क्या बोलेंगे वर्टिकल प्लेन में गाइरेशन ठीक है अब तीसरा देखो गाइरेशन एट वन एंड गाइरेशन एट वन एंड एंड सेकिंग एट वन एंड मतलब यहां पे दो चीज का मिक्स हो गया है अगर इसको आप टॉप व्यू देखो इसको हम टॉप व्यू देखते हैं तो ये स्क्रीन कुछ इस तरीके का है ठीक है अब जो ये वाला है ये कैसा मूव कर रहा है ये ऐसा सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है मतलब इसका ये वाला एंड को अगर माने हम इसको हम अगर मान लेते हैं इस एंड को ये हमारे पास स्क्रीन है इसको आप ऊपर से देख रहे हैं ये साइड व्यू है इसको आप ऊपर से देख रहे हैं तो इसका हम ये जो एंड है इसका जो ये वाला एंड है जिसको अभी हम लोग बात करने वाले हैं वो है ये वाला पॉइंट ठीक है ये जो पॉइंट दिख रहा है अभी ये पॉइंट क्या होगा एक सर्कुलर पाथ में क्या करेगा मूव करेगा ये हमारा सर्कुलर पाथ है मान लेते हैं इस पाथ में ये जो मैंने डॉट डॉट बनाया है इस पाथ में ये वाला एंड जो है यहाँ से फिक्स है तो ये आगे पीछे ऐसा गोल गोल घूमेगा ये वाला हिस्सा जो है गोल 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 घूमेगा मतलब ये स्क्रीन है ये वाला हिस्सा ऐसा 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 ऐसा, ऐसा गोल घूमेगा ठीक है पर ये हिस्सा नहीं घूमेगा ऐसा ये जो हिस्सा है इसका जो अगला हिस्सा है इसको देखिए ये वाला पॉइंट जो है ये एक खांचे में फंसा हुआ होगा ऐसा इस तरीके का मतलब ये साइड में नहीं जाने देगा इसी जो स्लिट बनी हुई है नट से कुछ ऐसा फिट होगा यह कि यह जो स्लिट बनी हुई है इसकी वजह से जब ये घूमकर जब यह घूमकर यहां आएगा मतलब ये आग, अपने आगे की पोजिशन पे आ गया लेकिन जब यह घूम कर पीछे जाएगा जब यह पीछे जाएगा तो यह हिस्सा इधर बैक होगा तो इस हिस्से में मूवमेंट जो होगा वो सिर्फ और सिर्फ आगे और पीछे होगा क्योंकि ये एक स्लिट के अंदर फंसा हुआ होगा इस तरीके से जैसे मान लेते हैं ये जो मेरा फिंगर बीच के बीच का गैप है ये स्लिट है जिसमें नट फंसा हुआ है तो ये इधर कोई चीज इसमें जुड़ी हुई है जो पीछे की तरफ घूम रही है थोड़ी किसी भी एंगल से तो ये क्या करेगी खींचेगी खींचेगी तो ये अंदर जाएगा अंदर जाएगा और अंदर जाएगा और, और, और आखिरी में पहुंचने के बाद ये आखिरी तक पहुंच जाएगा फिर जब ये रोटेशन आधा पूरा कर चुका होगा तो ये फिर से पास आ रहा है देखो इसका जो आधा रोटेशन अगर हम इसको एंटी क्लॉकवाइज माने इसका जो आधा रोटेशन है इसको हम एंटी क्लॉकवाइज मान लेते हैं ठीक है तो ये देखो ये जो आधा हिस्सा है एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट हो रहा है जब ये यहां पे पहुंचेगा मतलब ये सबसे दूर वाले पोजीशन पे आ गया इसका जो इनिशियल पोजीशन था उससे ये सबसे दूर पे पहुंच चुका है अब इसके बाद और अगर ये घूमेगा तो फिर पास आना चालू होगा यानी आधी साइकिल में ये दूर जा रहे हैं और आधी साइकिल में पास आ रहा है लेकिन इस एंड में सर्कुलर मोशन हो रहा है पर इस एंड में क्या होगा जब ये आधी साइकिल में दूर जा रहा होगा तो ये जो एंड है वो बैक साइड मूवमेंट करेगा लेकिन जब ये इस आधी साइकिल में फिर से पास आ रहा होगा तो फिर ये क्या होगा यहां से वापस आगे की तरफ मूव करेगा मतलब ये जो पोर्शन है उसका इस तरीके से आगे पीछे होता रहेगा ठीक है आगे पीछे होता रहेगा तो यहां पे दो मोशन एक साथ है एक एंड में गाइरेशन हो रहा है एक एंड में गाइरेशन हो रहा है और दूसरे एंड में क्या हो रहा है शेकिंग या ऑसिलेशन शेकिंग या ऑसिलेशन तो यहां पे मिक्स हो गया ठीक है इससे क्या होगा जब भी गाइरेशन होगा तो पार्टिकल्स में सर्कुलर मोशन आएगा पार्टिकल्स में सर्कुलर मोशन ठीक है अगर ऑसिलेशन होगा तो पार्टिकल्स एक डायरेक्शन में करेंगे ठीक है वाइब्रेशन होगा तो रैंडम किधर भी जाएंगे और जब गाइरेशन होगा तो पार्टिकल में सर्कुलेशन मोशन होगा क्लॉकवाइज या एंटो क्लॉकवाइज डिपेंड करेगा कि वो स्क्रीन कैसा घूम रहा है है ना तो एजिटेशन मैथड एजिटेशन मेथड आर नॉट कंटिन्यूअस मेथड हाउ एवर दिस कैन बी मेड कंटिन्यूअस बाई अ इनक्लाइनेशन ऑफ द सी यू ठीक है सेपरेशन आउटलेट आर मेड फॉर अंडर साइज एंड ओवर साइज पार्टिकल्स नॉर्मली आल द थ्री मोशन ऑफ एजुटेशन आर यूज साइमलटेनियॉर अफिशियंट साइज सेपरेशन रोटेक्स स्क्रीन वर्क ऑन दिस प्रिंसिपल यानी कि ये जो हम लोगों ने अभी तीन मेथड दिए ऑसिलेशन वाइब्रेशन और गाइरेशन ये जो तीनों मोशन है उसको हम एक साथ एक ही स्क्रीन में अप्लाई कर सकते हैं ठीक है अभी हम लोग देखेंगे आगे एनिमेशन में कि ये कैसे काम करता है ठीक है तो आई थिंक आप लोग को ये गाइरेशन समझ में आ गया होगा चलिए नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं और देखते हैं कि ये इसका जो वर्किंग है वो कैसे होता है तो देखिए आपके सामने ये स्क्रीन में कुछ डायग्राम नज़र आ रहे हैं ठीक है इसमें आप देखिए कुछ डायग्राम नजर आ रहे हैं जैसे अगर मैं बात करूं इस इस एंड को देखिए इस इस वाले को देखो ये क्या हो रहा है आगे और पीछे हो रहा है हो रहा है देखो ये ऐसे ही देखो इसको देखो ये एक डायरेक्शन में आगे और पीछे हो रहा है एक डायरेक्शन में आगे और पीछे हो रहा है स्क्रीम ठीक है और देखो यहाँ पे ये जो आ, इसमें मोटर लगा हुआ है जिसको हम लोग बोल रहे थे कि ई सेंट्रिक मोटर या फिर लीवर की मदद से ये आगे और पीछे हो रहा है तो देखो इसका जो ये वाला एंड है ये गोल घूम रहा है जबकि ये जो एंड है देखो ये वाला एंड जहाँ पे मैंने ये गोल घुमाया यहाँ पे देखो ये गोल इसमें जो पुली लगा हुआ है वो गोल घूम रहा है मतलब एक सर्कुलर पाथ में मोशन कर रहा है पर ये वाला एंड को देखो सिर्फ आगे और पीछे हो पा रहा है ये जो इसका पॉइंट है वो आगे और पीछे हो पा रहा है जैसे अभी हम लोगों ने लास्ट टाइम देखा था ना क्या गायरेशन और एक एंड में गायरेसन और एक एंड में तो अभी मैं स्क्रीन की बात नहीं कर रहा हूँ स्क्रीन में तो मोशन इसका क्या है ऑसिलेशन मोशन ही कहलाएगा लेकिन जो गाइरेशन और ऑसिलेशन का कॉम्बिनेशन है वो इसके पुली में नजर आ रहा है देखो इसका पुली का एक एंड जो है वो सर्कुलर पाथ में मोशन कर रहा है और जो दूसरा एंड है वो एक ही लाइन में आगे पीछे हो रहा है है ना तो इस टाइप का जो मोशन अगर स्क्रीन में होने लगे स्क्रीन का एक एंड सर्कुलर पाथ में और एक एंड सिर्फ ऑसिलेशन करेगा तो उसका मिक्स हो जाएगा तो ये तो हुआ मैकेनिकल टाइप का प्रोसेस जहां पे ये हो रहा है देखो ये जो दिख रहा है ये वाइब्रेशन कराएगा इसमें देखो ये जो आ, मोटर है इसमें वेट एक साइड में है ये यहाँ पे देखो यहाँ पे भी आधी सर्कल है आधी सर्कल है जो आधे आधा हिस्सा नहीं है तो इस टाइप के वजह से क्या होता है देखो ये मोशन कराता है तो ये जो मैकेनिक्स है यही इसमें वाइब्रेशन क्रिएट करवाएगा या ऑसिलेशन भी करवा सकता है डिपेंड करता है हमने इसका मोटर का स्पीड कैसा रखा है व्हील को क्या रखा है तो ये ऑसिलेशन और वाइब्रेशन दोनों करा सकता है जैसे ये देखो ये वाइब्रेशन कराएगा ये वाले या इस एंड से अगर कोई चीज़ को हम जोड़ दें इसका जो ये एंड है इससे कोई चीज़ को जोड़ देंगे तो स्क्रीन थोड़ा थोड़ा ऊपर नीचे हो रहा है देखो अगर इसकी स्पीड बढ़ा दें इस मोटर की जो घूमने की स्पीड उसको बढ़ा दें तो क्या होगा ये वाइब्रेट करने लगेगा ठीक है तो ये इस तरीके से मोशन के लिए अलग अलग मैकेनिक्स लगाए जाते हैं जैसे कि स्क्रीन को क्या किया जाता है स्क्रीन को हम स्क्रीन को हम क्या कर लेते हैं इससे सारे के सारे जो मोशन है जो हमको चाहिए वो मोशन हम सेट कर लेते हैं ठीक है तो चलिए बात करते हैं देखो यहां पे वाइब्रेशन का एग्जाम्पल तुम्हारे पास है ये जो दिख रहा है आपके पास स्क्रीन देखो यहां पे ये यह जो स्क्रीन दिख रहा है इसमें देखो ये पोर किया जा रहा है पार्टिकल्स को और पार्टिकल्स में देखो मूवमेंट हो, mm. हो रहा है अपने आप यहां पे कोई भी स्क्रीन घूम नहीं रहा है स्क्रीन में वाइब्रेशन हो रहे हैं है ना और पार्टिकल्स देखो अपने अपने आप आगे की तरफ लुढ़क रहे हैं ये डिपेंड करता है कि वाइब्रेशन का जो टेक्निक हमने क्या यूज किया है अब ये वाइब्रेशन की वजह से ये स्क्रीन में घूमेंगे तो क्या होंगे जो हमारा स्क्रीन में छोटा पार्टिकल्स होगा वो इस तरीके से देखो नीचे गिरता जाएगा और जो बड़ा पार्टिकल है वो ऊपर रह जाएगा है ना तो इस तरीके से ये वाइब्रेटिंग स्क्रीन है देखो ये जो स्क्रीन है ये वाइब्रेशन वाले स्क्रीनस हैं जो हम लोगों ने वाइब्रेशन वाला बात किया था यहाँ पे स्क्रीन आपको बहुत ज़्यादा ऑसिलेट करता नज़र आ रहा है क्या नहीं आ रहा है ना तो ये जो है ये वाइब्रेटी वाइब्रेटिंग स्क्रीन का एग्जाम्पल है ठीक है तो चलिए बात करते हैं तो अब चलिए बात करते हैं एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस का किसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज का ये जो एजिटेशन मेथड यूज़ किया इसका एडवांटेज क्या है और डिसएडवांटेज क्या? तो क्या है तो एजिटेशन मेथड क्या है इनएक्सपेंसिव मतलब बहुत ज़्यादा महंगा मेथड नहीं है आसान है बहुत सिंपल से एक तो मैकेनिक्स लगा देना जो उसको हिलाता रहेगा सिंपल और रैपिड है मतलब सामान्य है और तेज है डिसएडवांटेज क्या होगा एजिटेशन मेथड है लो लिमिट ऑफ द पार्टिकल साइज मतलब ये Uh, जो लिमिट है ये इसकी कम होगी लोअर लिमिट ऑफ द पार्टिकल साइज ठीक है तो बहुत बड़े बड़े अगर टाइप के पार्टिकल्स uh, हैं या बहुत फाइन पार्टिकल्स हैं बहुत फाइन पार्टिकल्स तो वहाँ पे इसकी जो प्रॉब्लम्स हैं वो हो सकती है तो ये इसकी एक लिमिट है इफ द पाउडर इज़ नॉट ड्राइड जैसे पाउडर क्या है सूखा नहीं है तो अपर्चर क्या हो जाएगा बिकम क्लॉग्ड है ना एंड पार्टिकल्स लीडिंग टू इनप्रॉपर सीविंग यानी क्या होगा अगर मटेरियल गीला है तो गीले मटेरियल में हम एजिटेशन करना चाहेंगे तो नहीं हो पाएगा है ना तो क्या होगा वो उसके पोर्स को जाके ब्लॉक कर देगा ब्लॉक कर दिया मतलब वो जो है अच्छी तरीके से स्क्रीनिंग नहीं हो पाएगी उसकी एफिशियंसी में कहीं ना कहीं इफेक्ट आ रहा है ड्यूरिंग दू, एजिटेशन एट्रीशन ऑकर्स कॉजिंग साइज रिडक्शन अब देखो एट्रीसन तो होता ही है जब हम स्क्रीन को जब हम स्क्रीन को आगे और पीछे घुमा रहे हैं तो स्क्रीन के ऊपर पार्टिकल्स क्या हो रहे हैं रोल हो रहे हैं ये जो पार्टिकल्स हैं ये क्या हो रहे हैं स्क्रीन के ऊपर रोल हो रहे हैं और रोल हो रहे हैं तो स्क्रीन का जो सरफेस है और पार्टिकल के बीच में क्या हो रहा है फ्रिक्शन हो रहा है ये जो फ्रिक्शन हो रहा है इसके वजह से क्या होगा साइज रिडक्शन होगा अगर आपका मटेरियल बहुत सॉफ़्ट है है ना और आपने उसको बहुत ज़्यादा देर तक अगर आपने उसको एजिटेट किया तो क्या होगा वो सीविंग के साथ साथ साइज रिडक्शन भी करेगा तो अगर हमको चाहिए कि हमारा पार्टिकल्स में और फर्दर साइज रिडक्शन ना हो या हमने क्या बनाया है हमने हमने बीट्स बनाए हुए हैं या हम हम ग्रेन्यूल्स बना के रखे हैं तो हम चाहते हैं कि वो ग्रेन्युल्स टूटे नहीं तो हमको स्क्रीन का जो एजिटेशन मेथड है वो वो हमको ऐसा सिलेक्ट करना पड़ेगा जिसमें मिनिमम फ्रिक्शन हो रहा हो मिनिमम क्या हो एट्रीशन फोर्स लग रहा हो ताकि वो टूटे नहीं टूटने से बचाना है जब हमको तब ये ध्यान देखना पड़ेगा तो यहाँ पर अपने को कुछ साइज रिडक्शन के, मतलब कुछ ऑसिलेशन वाले जो एजिटेशन वाले जो मेथड हैं उसके कुछ साइड इफेक्ट बोल सकते हो या डिसएडवांटेजेस बोल सकते हो वो हैं ठीक है तो चलिए बात करते हैं हम लोग तो चलिए बात करते हैं हम लोग ये जो मेथड ऑफ मोशन है इसमें अभी तक हम लोगों ने पहला जो पॉइंट देखा था वो एजिटेशन और उसके टाइप्स देख लिया अब देखो एक मेथड आता है ब्रशिंग ये जो ब्रशिंग है हम इसको ब्रशिंग क्यों बोल रहे हैं क्योंकि यहाँ ब्रश का इस्तेमाल हो रहा है यहाँ पे क्या हो रहा है ब्रश का इस्तेमाल हो रहा है ठीक है अब देखो ये जो डायग्राम नीचे दिख रहा है इसको एक बार आप लोग ठीक से देखो इस वीडियो को ये जो नीचे एक वीडियो चल रहा है इसको ठीक से देखो इसमें देखो एक साफ्ट से एक ब्रश जो है जुड़ा हुआ है ब्रश जो है जुड़ा हुआ है इसमें ब्रश लगी हुई है और ये स्क्रीन के ऊपर ब्रश जो है टिका हुआ है तो ये जब साफ्ट ऐसा घूमता है तो ब्रश क्या होता है उसको ब्रशिंग करने लगता है ये साफ्ट ऐसा घूम रहा है तो जो आपका जो ब्रश है वो पार्टिकल्स को आगे उस स्क्रीन में घुमा रहा है देखो अच्छे से देखिए एक बार स्क्रीन को तो इस तरीके से जो पाउडर इसमें डाला गया है वो अब पाउडर देखो यहाँ पास ब्रशिंग क्यों कर रहे हैं क्योंकि जो बहुत सारे फाइन पार्टिकल ऐसे है होते हैं और जिनको बहुत फाइन सीव के अंदर से पास करना होता है तो फाइन सीव जल्दी जल्दी क्या होते हैं वो वो क्या हो जाते हैं ब्लॉक होते जाते हैं ब्लाइंडिंग होती जाती है तो अगर ब्रश का इस्तेमाल कर रहे हैं तो ब्लाइंडिंग जो है वो नहीं के बराबर होगी या कम होगी तो ये भी एक जहाँ पे आप वाइब्रेशन का इस्तेमाल नहीं कर सकते हो एजिटेशन का इस्तेमाल नहीं कर सकते हो वहाँ पे हम ब्रशिंग का इस्तेमाल भी करते हैं तो जैसे कि आप देख पा रहे हो ये मैकेनिज्म आपको दिख रहा है आई थिंक आपको मैकेनिज्म समझ में आ गया होगा चलो इसको हम लोग थोड़ा समझते हैं तो चलिए देखते हैं ये जो आप लोगों ने अभी देखा था यहाँ पर ये जो था ये ब्रश था ये ब्रश है और ये साफ्ट से जुड़ा है यहाँ पर मोटर लगा हुआ है अब ये साफ्ट इसको घुमाएगा तो ब्रश ऐसा आगे की तरफ घूमेगा और ये वाला हिस्सा ऐसा पीछे की तरफ तो देखो यहाँ पे जो पार्टिकल्स हैं जो इन ब्रश के सामने आते जाएंगे रास्ते में जैसे झाड़ू लगाते हैं ना तो जो कचरा रहता है वो आगे बढ़ता जाता है अब वो जो पार्टिकल्स हैं वो स्क्रीन के ऊपर रखा हुआ आगे की तो तरफ मूव करेगा तो जैसे ही वो किसी पोर के ऊपर आएगा और उसके अंडर साइज़ का अगर पार्टिकल होगा तो नीचे गिरता जाएगा तो इस तरीके से अब देखो यहाँ पे दो यहाँ पे दो साफ्ट साफ्ट के साथ दो ब्रश लगा हुआ है है ना यहां पे देखो तीन ब्रश लगा हुआ है ये भी डायग्राम है एक तो तीन ब्रश लगा हुआ है इसको आप एक बार अपन इसको जूम करके देखते हैं ठीक है हम इसको जूम करके देखते हैं तो चलिए एक बार जूम किया है हमने इसको देखते हैं ये आई थिंक अब आपको ज्यादा अच्छे से दिख रहा होगा ये जो है ये देखो ये ब्रश है ये इसके ब्रश लगे हुए हैं और ये एक साफ्ट uh, से जुड़ा हुआ है यहाँ पे देखो एक सेंट्रल साफ्ट है जो इसको रोटेशन देगा घुमाएगा तो ये ये वाला हिस्सा जब आगे बढ़ेगा तो वो साइमल्टेनियसली ये हिस्सा आगे बढ़ेगा और ये भी हिस्सा यहाँ पे तीन ब्लेड जैसा बना हुआ है तीन ब्रश लगा हुआ है इस साफ्ट से तो ये तीनों ऐसा सरफेस में घूमता जाएगा तो जो पार्टिकल्स यहाँ पे होंगे जो पार्टिकल्स यहाँ पे इसके सामने रास्ते में होंगे वो पार्टिकल्स को क्या करेगा आगे की तरफ सरकाता जाएगा और जो पार्टिकल्स अगर ये जो मेज दिख रहा है देखो बहुत फाइन मेज है इसके इसमें जो स्क्रीन है बहुत फाइन है तो यहाँ पास जो पार्टिकल्स होंगे बहुत फाइन पार्टिकल्स होंगे अब वो पार्टिकल जब अंडर साइज़ के होंगे वो नीचे गिरते जाएंगे इसके और जो बड़े साइज के होंगे वो इसके ऊपर ही रह जाएंगे तो यहाँ पे ब्रश का इस्तेमाल करके हम क्या कर रहे हैं मूवमेंट ला रहे हैं किस में पार्टिकल्स में पार्टिकल्स को हम ब्रश से मूवमेंट में ला रहे हैं और पार्टिकल्स उसके हिसाब से क्या हो रहा है और ब्रशिंग का एक इफ़ेक्ट ये हो रहा है कि जो ब्लाइंड blind, ब्लाइंडिंग होता है स्क्रीन में जो इस, स्क्रीन के पोर बंद हो जाते हैं वो उसको साफ भी करता जाता है तो इसमें ब्लाइंडिंग के भी चांस कम होते जाते हैं तो ये एक एडवांटेज मिल गया ठीक है तो आई थिंक आपको ये ब्रशिंग वाला जो मैकेनिज्म है वो समझ में आ गया होगा ठीक है तो चलिए अब बात करते हैं मोड ऑफ मोशन में अगला जो मोशन है स्क्रीन का आ, या पार्टिकल्स का वो है सेंट्री फ्यूगल मेथड यहाँ पे हम लोग सेंट्री फ्यूगल फोर्स का इस्तेमाल करेंगे किसका इस्तेमाल करेंगे सेंट्री फ्यूगल फोर्स का देखो यहाँ पे सेंट ये जो ट्यूब है इसको बोलते हैं सेंट्री फ्यूगल ट्यूब जिसमें देखो मटे जब ये घूमेगा तो क्या होगा सेंट्री फ्यूगल फोर्स लगेगा अब सेंट्री फ्यूगल जब ये घूमता है तो देखो ये जो ट्यूब है ये क्या हो जाते हैं ऐसा एंगल में चेंज हो जाते हैं जब ये घूमते हैं तो देखो इसका एंगल बदल जाता है है ना ये देखो तो जब ये दूर हो रहे हैं देखो अभी अभी तो ऐसा ट्यूब है पर जब ये क्या होगा घूमने लगेगा तो ये ऐसा होता जाएगा और ऐसा होता जाएगा जितनी देर हम इसको ऐसा रखेंगे तो अब क्या होगा देखो ये घूम रहे हैं तो इसमें जो अंदर ट्यूब के अंदर जो लिक्विड है उस लिक्विड के अंदर कोई पार्टिकुलेट मटेरियल है तो पार्टिकल्स को क्या होगा बाहर की तरफ क्या लगेगा सेंट्री फोर्स लगेगा अब पार्टिकल क्या होंगे क्योंकि वो लिक्विड के अंदर फ्रीली तैर सकते हैं तो वो लिक्विड में कब तक तैरते रहेंगे जब तक उसका एंड ना आ जाए कब तक जब तक उसका एंड ना आ जाए तो ये जो सेंट्रिफिकल फोर्स अप्लाई किया हमने लिक्विड जो है वो तो एक टेस्ट ट्यूब में बंधा हुआ है तो लिक्विड उसके बाहर तो नहीं जा सकता और लिक्विड का डेंसिटी बराबर है तो लिक्विड भी अगर अलग अलग डेंसिटी का होता तो सेपरेशन हो जाता है पर अगर एक लिक्विड है जैसे कि वाटर और वाटर में कोई चीज़ डिस्पर्स है तो वाटर जो है उसकी डेंसिटी फिक्स होगी तो वो वो तो कुछ भी सेपरेशन नहीं होगा लिक्विड के लेयर्स नहीं बनेंगे लेकिन उसमें जो पार्टिकल्स तैर रहे हैं वो क्या होंगे धीरे 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 उसको सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगेगा जितना सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगेगा उतना पार्टिकल आगे बढ़ते जाएगा कब तक जब तक उसको दीवार आगे जाकर नहीं मिल जाए यानी कि उसका बॉटम वाला हिस्सा जब बॉटम पे पहुंच जाएगा तो वहां पे उसको दीवार मिल जाएगी जो उसको रोक के रखेगी और आगे नहीं जाने देगी तो जैसे हम लोग ब्लड सीरम आप लोग देखे होगे कि पैथोलॉजी लैब में जाते हो ना तो वहाँ पर ब्लड टेस्ट होता है तो ब्लड टेस्ट में वो लोग क्या करते हैं सीरम को ब्लड कार्पस्कल से अलग करते हैं कैसे कर करते हैं इसी तरीके से क्या करते हैं सेंट्रीफ्यूगल ट्यूब में उसको रख सैंपल को डाला और इसको घुमा दिया तो पार्टिकल्स का एक डेंसिटी होगा पार्टिकल का साइज होगा तो डेंसिटी और साइज के अकॉर्डिंग क्या होंगे वो धीरे 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 बॉटम की तरफ जाते जाएंगे और एट द एंड जहाँ पे वो खत बॉटम है बिल्कुल ट्यूब का वहाँ पर जाके वो जमा होते जाएंगे और उसके बाद जब मशीन को बंद करेंगे फिर धीरे से ये सीधा होगा और देखो आप यहाँ पर देख पा रहे हो इसमें देखो ये सेंट्रिक फोर्स लगने के बाद क्या हो रहा है यहाँ पर तो देखिए हो क्या रहा है यहाँ पे सेंट्रीफ्यूगल मेथड इन दिस मेथड अ हाई स्पीड रोटर इज फिक्स्ड इनसाइड अ वर्टिकल सिलेंड्रिकल सीव सो दैट ऑन रोटेशन द पार्टिकल्स आर थ्रोन आउटवर्ड यानी कि जब ये घूमेगा तो जो पार्टिकल्स है वो को बाहर की तरफ वो क्या होगा धकेला जाएगा बाई सेंट्रीफ्यूगल फोर्स द करेंट ऑफ एयर सॉरी हाँ द करेंट्स ऑफ एयर कैन बी जनरेटेड बाई मीन ऑफ द जेट और एयर इंटू इक्विपमेंट विच हेल्प्स इन सेपरेटिंग द पार्टिकल्स अफ्यू एग्जाम्पल ऑफ इक्विपमेंट दैट वर्क ऑन द प्रिसिपल आर साइक्लॉन सेपरेटर एंड एयर सेपरेटर ऐसे ही आ, अगर एयर में कोई सस्पेंडर जैसे हम लोगों ने इसके पहले बात किया था बहुत पहले जब हम लोग देख रहे थे तो जब हम लोग साइज रिडक्शन देख रहे थे तो हमने वहाँ पे एक साइक्लोन सेपरेटर की बात की थी साइक्लोन सेपरेटर में क्या होता था कुछ जेट जैसा बना होता था जिससे हवा को हम सर्कुलर पाथ में घुमाते थे अब सर्कुलर पाथ में घुमाया मतलब जब भी यहाँ सर्कुलर मोशन आया मतलब समझ लो सेंट्री फोर्स सेंट्री फोर्स अप्लाई होगा तो सेंट्री फोर्स क्या करेगा बाहर की तरफ धकेलेगा तो यहाँ पर जब हवा को गोल गोल घुमा रहे हैं हवा हल्का है और लेकिन उसमें सस्पेंडेड पार्टिकल कंपेरेटिवली डेंस है वजन है उसमें तो पार्टिकल्स बाहर की तरफ फेंके जाएंगे यानी वो दीवार की तरफ रहेंगे और हवा उसके सेंटर में रहेगा और ये घूमता जाएगा घूमता जाएगा और क्योंकि वो नीचे ग्रेविटी फोर्स लगेगा उसको हम बहुत देर तक घुमा रहे हैं धीरे धीरे वो नीचे सेटल हो जाएगा तो पार्टिकल्स नीचे बैठ जाते हैं और हवा जो है सेंटर वाला जो एयर होगा वो क्लियर क्लीन, क्लीन होगा और वो उसके टॉप एग्जिट से बाहर निकल जाएगा तो हम सेंट्रिफ्युकल फोर्स वहाँ पे भी लगा रहे हैं यहाँ पे भी लगा रहे हैं अलग अलग मेथड सेंट्रिफ्युकल फोर्स लगाने का एडवांटेज क्या है देखो सेंट्रीफ्यूगल मेथड आर एक्सट्रीमली यूजफुल इन केस ऑफ वेयर कन्वेंशनल टू ब्लॉक द दून जब कैन जब हमारे पास सी ऐसा हो कि ब्लॉक हो जाता है बहुत फाइन पार्टिकल को आपको सेपरेट करना है तो मेज भी बहुत फाइन होगा और मेज जितना फाइन होगा उतना उसके ब्लॉक होने के चांसेस बढ़ जाते हैं तो वैसे में हम उसको सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का इस्तेमाल करके जैसे डस्ट हवा में से डस्ट को फिल्टर करना है तो क्या होगा आप थोड़ी देर तक डस्ट में से उसको पार करोगे तो वो जो डस्ट है उस उस फिल्टर के सरफेस में चिपक जाएगा और उसको ब्लॉक कर देगा तो वहां पे क्या हो रहा है ब्लॉक ब्लॉक होने का डिसएडवांटेज दिख रहा है तो वहाँ पे अगर हम सेंट्रीफ्यूगल फोर्स अप्लाई कर रहे हैं वहाँ पे कोई मेज नहीं है वहां पे सिर्फ फोर्स लग रहा है मेस नहीं होने की वजह से कोई चीज़ ब्लॉक नहीं होगा तो ये यहाँ पर एडवांटेज हो गया एक्सट्रीमली यूजफुल फॉर फाइन पाउडर बिकॉज सी यू हैव अ लिमिटेशन ऑफ द मेज साइज मतलब आप एक मेज साइज को लिमिटेशन पार्टिकल्स सॉलिड पार्टिकल्स को रिमूव करने के लिए एक मेज़ का भी साइज अपन लिमिट रख सकते हैं ना उससे कितना फाइन आप मेज़ बना पाओगे है ना आप कपड़ा बना लिए कपड़ा से भी आपको नैनो माइक्रो रेंज में उतना फाइन तो अपन मेज नहीं बना पाएंगे ना तो वहाँ पे हम लोग को ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का इस्तेमाल करना पड़ता है तो ये वहाँ पर यूजफुल होता है वेरी फाइन पार्टिकल्स को लिक्विड से सेपरेट करना है तो हम सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का इस्तेमाल कर लेंगे या फिर कुछ फिल्टर मीडिया होता है उसका हम इस्तेमाल कर लेंगे तो इस तरीके से मोड uh, ऑफ जो मोशन था वो आप लोगों ने देखा ठीक है अब नेक्स्ट जो क्लास uh, होगी उसमें हम लोग शिव शेखर के बारे में देखेंगे ठीक है थैंक यू